क्लास सेवेंथ, सेवेंथ क्लास का चैप्टर नंबर नाइन। चैप्टर नंबर नाइन है ये सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, मतलब आपकी पॉलिटी राजव्यवस्था की जो बुक है, सिविक्स, नागरिक शास्त्र जिसको कहते हैं आप, उसका चैप्टर नंबर नाइन है। क्लास सेवेंथ का चैप्टर का टाइटल है स्ट्रगल फॉर इक्वेलिटी, समानता के लिए संघर्ष। स्ट्रगल का प्लूरल हो गया स्ट्रगल्स फॉर इक्वेलिटी, इक्वेलिटी मतलब समानता, समता के लिए संघर्ष। बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और हिस्टोरिकल व्यू से भी, ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्व रखता है ये चैप्टर। बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो स्ट्रगल फॉर इक्वेलिटी जैसा कि टाइटल है, इसको एक मिनट में इसका एक्सप्लेनेशन देख लें कि समानता के लिए संघर्ष। अब भैया किस चीज़ की समानता? तो सबसे पहले बात शुरू होती है, इन 1947 वी बिकेम फ्री, स्वतंत्र हुए हम 47 में। अब उसके बाद में संविधान, संविधान मतलब बन चुका था, 48-50 लागू हो गया, बन गया। तो अब देश के सभी जो सिटीजन हैं, नागरिक हैं, अलग अलग जातियों के हैं, जाति, लिंग, नस्ल और वंश और वेशभूषा, संप्रदाय, पंथ, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। तो इक्वेलिटी का मतलब है कि भारत देश के किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राज्य का, कोई भी नागरिक, किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, वंश का हो, कोई भी लिंग हो उसका, मेल फीमेल या वगैरह वगैरह जो भी, इसके आधार पर भारत का संविधान, भारत की सरकार विभेद नहीं करेगी, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करेगी लोगों में इन चीज़ों के आधार पर। तो स्ट्रगल फॉर इक्वेलिटी, ये समानता के लिए संघर्ष से पहले थोड़ा सा 2-4 मिनट की चीज़ें और समझ लो स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत आसानी होगी चैप्टर को समझने में और कंसेप्ट क्लियर करने में। ये हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है, संविधान ने हम लोगों को 6 राइट्स, 6 अधिकार, मूल अधिकार प्रदान किए हैं, दिए हैं हमें अधिकार, जो कि हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जो राइट्स हैं हमारे, फंडामेंटल बेसिक राइट्स हैं। तो वो 6 अधिकार कौन कौन से हैं, उन 6 अधिकारों को याद होना चाहिए आप सब बच्चों को, और क्रम से याद होना चाहिए, और उनके आर्टिकल्स, उनके अनुच्छेद भी याद होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको ये एक डायग्राम के द्वारा, एक कॉपी पे थोड़ा सा बताए देता हूँ इसका तरीका याद करने का, या जो फ्रेशर हैं उनको, तो इनको आप ऐसे देख लो बच्चों कि हमें जो 6 अधिकार, 6 राइट्स हमें जो संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, वो पहला अधिकार होता है, पहले अधिकार को कहते हैं समानता का अधिकार, इक्वेलिटी। समानता मतलब इक्वेलिटी, जो चैप्टर है हमारा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, समानता का अधिकार। अब ये समानता का अधिकार, थोड़ा राइटिंग गंदी रहेगी, फास्ट लिखूंगा मैं। समानता का अधिकार, ये आर्टिकल नंबर आपका, अनुच्छेद नंबर 14 से 18, 14 to 18, 14 से 18 तक है। दूसरा अधिकार है हमारा विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी कहते हैं, एक्सप्रेशन जो होता है अभिव्यक्ति, यह है आपका 19 से लेकर के ये चलता है, जो है कि 22, 19 से 22 तक चलता है। पहला 14 से 18, दूसरा आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 19 से 22 तक है, और तीसरा आपका अधिकार है शोषण से रक्षा का अधिकार। शोषण मतलब होता है एक्सप्लोइटेशन, तो एक्सप्लोइटेशन से प्रोटेक्शन, शोषण से रक्षा का अधिकार, यह आपका आर्टिकल नंबर 23 से 24 तक चलता है। चौथे नंबर का है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, रिलीजियस फ्रीडम का जो अधिकार है, ये आपका 24, 25, 25 से लेके 28 तक है, ये अनुच्छेद नंबर 25 से लेके 28 तक है। उसके बाद ये पांचवें नंबर में आपका आता है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति मतलब कल्चर व शिक्षा संबंधी अधिकार, ये हमारा, हमारे भारत के लोगों का अधिकार, ये भारत के संविधान 29 से लेकर 31 तक चलता है, और लास्ट वाला 32 से 35 तक है। ये छठवा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको भारतीय संविधान की आत्मा, द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। इसको बोला जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक
उपचारों का अधिकारी। ये उपचार शब्द से ही बना है, जिसको हम लोग ट्रीट कहते हैं अंग्रेजी में, ट्रीटमेंट या ट्रीट, जो कि मेडिकल साइंस के टर्म में यूज ज़्यादातर हम लोग समझते हैं, उसी में होता है। उपचार का मतलब है किसी चीज़ को क्योर करना, किसी चीज़ को सॉल्व करना, सॉल्यूशन निकालना उसको। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपका 32 से लेकर के ये चलता है, अनुच्छेद 32 से लेकर के 35 तक चलता है। फिर अनुच्छेद 36 से 36 से आपके नीति निर्देशक तत्व तो शुरू हो जाते हैं भारत के संविधान में, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। अब बच्चों ये यहाँ पर देखना, समानता, अभिव्यक्ति, शोषण, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति, शिक्षा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपका 19 से 22, फिर वो 14 से 18, 19 से 22, 23 से 25, 25 से 28, 29 से 31 और 32 से 35। ठीक है, अब इनको क्रम से याद रखने का एक ट्रिक मैंने बनाया, जो फ्रेशर्स स्टूडेंट्स हैं जिनको क्रम याद करने में या इनको लर्न करने में दिक्कत हो, एक ट्रिक याद रख लेना। ट्रिक हमने बनाई कि समान अभिव्यक्ति, समान अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब होता है अपने विचारों को रखना, प्रकट करना। समान अभिव्यक्ति शोषण से रक्षा करती है, शोषण एक्सप्लोइटेशन, शोषण से रक्षा करती, ये छोटे छोटे अक्षरों में लिख लो, अननेसेसरी वर्ड है ये। तो पहली लाइन हो गई हमारी ट्रिक की, समान अभिव्यक्ति शोषण से रक्षा करती है। मतलब हम सब लोग जब एक आवाज़ में सब मिलजुल कर कोई मांग रखते हैं, डिमांड करते हैं, बोलते हैं कोई चीज़ को, तो ज़्यादा वजनदार हो जाती है वो चीज़, उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो पहली लाइन हमने बना ली, समान अभिव्यक्ति शोषण से रक्षा करती है, और दूसरी लाइन हमने अपनी ट्रिक की तैयार की, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता एंड और संस्कृति शिक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता संस्कृति शिक्षा का संविधान क्या करता है, संविधान उपचार करता है, उपचार करता है, ... ये हमारी ट्रिक बन गई 3 लाइन की। पहली लाइन बच्चों बोल बोल के याद करना, 3-4 बार बोल के फिर आंखें बंद करके बोलना, याद हो जाएगा। समान अभिव्यक्ति शोषण से रक्षा करती है, धार्मिक स्वतंत्रता और संस्कृति शिक्षा का संविधान उपचार करता है। अब हमारे की वर्ड्स हैं, अंडरलाइन करो समान को, ये हो गया हमारा पहला अधिकार। अभिव्यक्ति जो की वर्ड है, लॉजिक वर्ड है हमारा, उसको अंडरलाइन करो। दूसरा अधिकार, शोषण से रक्षा, ये थर्ड राइट हो गया हमारा। तीसरा मूल अधिकार हो गया। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठवा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो समान अभिव्यक्ति शोषण से रक्षा करती है, धार्मिक स्वतंत्रता और संस्कृति शिक्षा का संविधान उपचार करता है, फुल स्टॉप। ये 6 अधिकार हो गए हमारा, इनके आर्टिकल्स याद रखना, 14 से 18 है ये, फिर ये आपका 19 से लेकर के ये आपका चलता है 19, 20, 21, 22, 22 तक चलता है, फिर आपका है 23 से ये आपका 28 तक है, फिर आपका ये है 14 से 18, 19 से 22, 23 से 28, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नहीं सॉरी ये 24 लास्ट है, 23 से 24 तक चलता है, फिर ये 25 से 28 तक चलता है, ये संस्कृति शिक्षा संबंधी, ये अनुच्छेद नंबर 29 से लेकर के 31 तक चलता है, और अनुच्छेद 32, 33, 34, 35, ये 32 से 35 तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार चलता है। उसके बाद 36 नंबर अनुच्छेद से भारत के नीति निर्देशक तत्व स्टार्ट हो जाते हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए। अब बच्चों इसमें भी देखना, अब अगर ये आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ। तो पहला हमारा था समानता का अधिकार, कहाँ से कहाँ तक चला, 14 से 18 तक चला। अब 14, 15, 16, 17, 18 अनुच्छेद 14 भी होगा, उसमें इसी अधिकार के बारे में कुछ कहा गया होगा, अनुच्छेद 15 भी होगा, उसमें भी 16, 17, तो इनको एक नज़र में, आपके पास घर पे कोई बुक वगैरह हो तो उसमें से आप देख लेना, नहीं तो मेरा वीडियो सर्च कर लेना पॉलिटी राज व्यवस्था का, उसमें इनकी शॉर्ट और डिटेल दोनों टाइप मिल जाएंगे आपको। मैं यहाँ बात चल रही है तो हल्के से आपको बता देता हूँ, जल्दी फास्ट में, फास्ट मोशन में, अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता, मतलब विधि नियम कानून
है ना। और 15 अनुच्छेद 15 में है कि धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश, लिंग, इनके आधार पर विभेद नहीं होगा किसी व्यक्ति के साथ में, भारत के नागरिक के साथ में। अनुच्छेद 16, ये 15 हो गया और ये 16। 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी, समानता, ये 16 हो गया। अब आपका 17, अनुच्छेद 17 में है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब होती है छुआछूत, जिसको अनटचेबिलिटी बोलते हैं। और अनुच्छेद नंबर 18, आर्टिकल नंबर 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधि मतलब होता है टाइटल, कि अब साहब जो स्वतंत्रता से पहले जो कंडीशन थी कि राव साहब, साहूकार साहब और वगैरह वगैरह, ये सारी जो उपाधियां चलती थी, राजा साहब, अब ऐसा कुछ नहीं, अब हर व्यक्ति बराबर है। हाँ, अगर वो किसी राजनीतिक पद पर है तो पद का नाम जो संविधान में वर्णित है वो उसके लिए यूज किया जा सकता है उसके सम्मान में, अदरवाइज ये जो पहले की तरह जो चीजें थी वो अब नहीं है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में हो गया, ठीक है। ये 14 से 18 पहला आपका अधिकार हो गया। अब अनुच्छेद 19, आर्टिकल नंबर 19, 19 से लेकर के 22 तक आपका क्या चलता है, शोषण से विरुद्ध रक्षा का अधिकार। इसी प्रकार से इसमें भी 20, 21, 22 ऐसे करके पूरे चलते रहेंगे आपके 35 तक, 35 पे फिनिश हो जाएगा। तो इसकी डिटेल यहाँ पे नहीं बताना चाहता और ज़्यादा मैं, अगर इसको जो स्टूडेंट्स को चाहिए हो ये एक्स्ट्रा जानकारी, वो दूसरे वीडियोस देख लेना जो मेरे पड़े हुए हैं। अब हम कम टू द चैप्टर, चैप्टर पर लौटते हैं। तो स्ट्रगल्स फॉर इक्वेलिटी, समानता के लिए संघर्ष। अब ये वही संघर्ष है जो महात्मा, चाहे महात्मा गांधी जी ने किया हो, जब दक्षिण अफ्रीका जाते समय उन्होंने जिस चीज़ को फेस किया था, जो रंग भेद की नीति थी, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था रंग मतलब नस्ल, जाति नस्ल के आधार पर, कि काले लोग, गोरे लोग, है ना, जो एशिया कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, तो यहाँ के लोगों को ये कालों की संख्या दी जाती है। ये आपका 10th क्लास में शायद ये चैप्टर भी है इंग्लिश में, जो है कि इंग्लिश में चैप्टर है ये, नेल्सन मंडेला वाला। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। गांधी ने जो संघर्ष किया उसी प्रकार उन्होंने वहाँ किया काले लोगों के लिए, है ना। और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत, जो है कि फर्स्ट, जो वाइट का अपोजिट है, ब्लैक पॉलिटिशियन थे वहाँ के। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करें। इन दिस बुक, इस किताब में, यू हैव रेड अबाउट पीपल लाइक, इस किताब में आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो के बारे में, किन के बारे में, उन लोगों के बारे में, कौन कौन लोग, जैसे कांता द अंसारी, मेलानी एंड स्वप्ना, द थ्रेड दैट कनेक्ट्स ऑल ऑफ दीज लाइफ्स, मतलब ऐसा धागा, ऐसा ताना बाना जो इन सबके जीव जिंदगियों को, जीवनों को, लाइफ्स को जो कनेक्ट करता है, एक दूसरे से जोड़ता है, मतलब इन सभी की जिंदगी की एक ऐसी चीज जो कॉमन है वो क्या है, इज है कि दे हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली, कि उन्हें ट्रीट किया गया, उनके साथ बर्ताव किया गया, कैसा, अनइक्वली, असमान बर्ताव, असमान व्यवहार किया गया, कि भैया तुम ये हिंदू, तुम मुस्लिम, तुम सिख, तुम ईसाई, है ना, और तुम जो है कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, कि तुम महिला हो, तुम्हारा काम उतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाएगा जितना किसी पुरुष का, या स्थान के, कि भैया तुम साउदर्न इंडिया के हो, दक्षिणी भारत के हो, तुम ईस्टर्न हो, ऐसा वैसा। व्हाट डू पीपल डू, लोग क्या करते हैं, व्हेन दे फेस, जब वे सामना करते हैं सच इन इक्वेलिटीज, जब वे इस प्रकार की असमानताओं का सामना करते हैं तब वे क्या करते हैं। तो देखो, इक्वेलिटी का ये अपोजिट क्या हो गया, अन, UN, अन लगा के अपोजिट बना दिया, अन इक्वेलिटी, फुल स्टॉप। व्हाट डू पीपल डू, जब वे ऐसी सामना करते हैं अन इक्वेलिटी का, हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सन्स, हिस्ट्री ऐसे एग्जाम्पल से, व्यक्तियों के ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है, हु हैव कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट इन इक्वेलिटी एंड फॉर इशूज ऑफ जस्टिस। इतिहास लोगों के, ऐसे लोगों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जो साथ साथ कदम कदम मिलाकर आगे बढ़े, एक साथ आगे आए, किसके खिलाफ, असमानता के खिलाफ और न्याय के मुद्दों के लिए लड़े, ऐसे उदाहरणों से भरा है इतिहास। डू यू रिकॉल द स्टोरी ऑफ रोजा पार्क्स इन चैप्टर 1, क्या तुम्हें चैप्टर 1 में रोजा पार्क की स्टोरी ध्यान है, रिकॉल है, याद आती है तुम्हें। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें ध्यान है,
द फोटो एसे ऑन द विमेन्स मूवमेंट इन चैप्टर फाइव. चैप्टर फाइव में जो महिलाओं का आंदोलन हुआ था उसके फोटोज याद हैं तुम्हें. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ द वेज. इस चैप्टर में तुम सीखोगे कुछ तरीकों के बारे में विच पीपल हैव स्ट्रगल्ड अगेंस्ट इन इक्वेलिटी. जो लोगों ने संघर्ष किया है इन इक्वेलिटी के विरुद्ध, असमानता के खिलाफ लोगों ने जो संघर्ष किया है. ये यहाँ पर जो पिक्चर्स दिए गए हैं ये प्रीवियस चैप्टर्स के हैं स्टूडेंट्स, जो चैप्टर आप लोग पहले पढ़ चुके हो. एज यू हैव ऑलरेडी रेड इन दिस बुक, जैसा कि इस किताब में तुम पहले ही पढ़ चुके हो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज ऑल इंडियंस एज इक्वल बिफोर द लॉ एंड स्टेट्स दैट नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, सेक्स, कास्ट और वेदर दे आर रिच और पुअर. फुल स्टॉप. ये लाइनों का मतलब है कि जैसा कि तुम पुराने चैप्टर्स में पढ़ चुके हो इस किताब में, भारतीय संविधान सारे भारतीयों को, सारे इंडियंस को रिकॉग्नाइज करता है, पहचान देता है, मतलब उनको ये अधिकार देता है समानता का, समान होने का, बिफोर सामने, किसके सामने, कानून के सामने और राज्य के सामने. राज्य मतलब स्टेट या राष्ट्र भी कह लो पॉलिटिकल लैंग्वेज में, स्टेट को नेशन कंट्री. दैट नो पर्सन, कि किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, भेदभाव नहीं किया जा सकता है, बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, उनका जो धर्म है, जो लिंग है उनका, उनकी जो जाति है, इस आधार पर उनके खिलाफ भेदभाव नहीं किया जा सकता है. वेदर दे आर रिच और पुअर, चाहे वे अमीर हों या गरीब हों, उनके इस इन इन चीज़ों से उनके साथ अनइक्वेलिटी नहीं बरती जा सकती है. ऑल एडल्ट्स इन इंडिया, भारत में सभी एडल्ट, सभी वयस्क व्यक्ति हैव द इक्वल राइट, समान अधिकार रखते हैं टू वोट, मत देने का, मतदान करने का, ड्यूरिंग इलेक्शंस, चुनाव के दौरान, चुनाव के दौरान मत देने का, वोट करने का, सारे युवकों, नवयुवकों के, एडल्ट्स के पास अधिकार होता है. एंड दिस पावर ओवर द बैलेट बॉक्स, और यह बैलेट बॉक्स की पावर अब तो EVM से होने लगे हैं चुनाव, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, है ना. पहले सारे के सारे चुनाव बैलेट बॉक्स से होते थे, जिस पे पर्चा होता था, सील लगाई जाती थी कि भैया किसको वोट देना है, उसके सामने सील लगाई जाती थी. हैज बीन यूज्ड बाय पीपल टू इलेक्ट और रिप्लेस देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब यह जो शक्ति होती है इसका प्रयोग किया जाता है लोगों को इलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए, और अपना प्रतिनिधि के रूप में उनको रिप्लेस करने के लिए, स्थान देने के लिए. बट दिस फीलिंग ऑफ इक्वालिटी, लेकिन समानता की यह भावना, दैट द बैलेट बॉक्स प्रोवाइड्स, जो बैलेट बॉक्स प्रोवाइड कराता है. अब बच्चों यहाँ पर एक सुधार आप लोग और कर लेना, बैलेट बॉक्स और ऑब्लिक करके EVM और लिख लेना आप, क्योंकि अब चेंजिंग आ गई है ना. ये जो चैप्टर जब लिखा गया होगा राइटर के द्वारा, उस दौर में EVM से ही सारे चुनाव संपादित होते होंगे. अब आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, सुधार कर लो, ऑब्लिक लगा के EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. हाँ, तो ये जो बैलेट बॉक्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ये हमें प्रोवाइड कराती है, उपलब्ध कराती है. बिकॉज द वोट ऑफ वन पर्सन इज एज गुड एज देट ऑफ एनदर, कि एक व्यक्ति का जो वोट है, मत है, वो दूसरे व्यक्ति के ही बराबर इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है. डज नॉट एक्सटेंड टू मोस्ट पीपल्स लाइफ्स, मतलब ये दूसरों के, लोगों के जीवन को एक्सटेंड नहीं कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता है. टू मोस्ट पीपल्स लाइफ्स, बहुत सारे लोगों के जीवन को. एज यू हैव रेड, जैसा कि तुम पढ़ चुके हो, द इंक्रीजिंग, बढ़ती हुई प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज की जो बढ़ती हुई प्राइवेटाइजेशन है, निजीकरण है जो, एंड द निगलेक्ट ऑफ गवर्नमेंट, और सरकारी की निगलेक्ट करना. हॉस्पिटल्स हैव मेड इट डिफिकल्ट फॉर मोस्ट पुअर पीपल लाइक कांता, हाकिम शेख एंड अमन टू गेट गुड क्वालिटी हेल्थ केयर. मतलब ये जो चीज़ें हो रही हैं कि निजीकरण हो रहा है, वो प्राइवेट चीज़ों का, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो विरोध, मतलब उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, कमतर किया जा रहा है, इन चीज़ों ने क्या किया,
पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जो गरीब लोग हैं कांता हाकिम शेख जैसे और अमन जैसे, इनको गुड क्वालिटी की हेल्थ केयर मिलना मुश्किल हो रही थी। दीज पीपल डू नॉट हैव द रिसोर्सेज टू अफोर्ड एक्सपेंसिव प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। इन लोगों के पास पर्याप्त संसाधन रिसोर्सेज नहीं थे जो अफोर्ड कर सकें महंगी प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज को, स्वास्थ्य सुविधाओं को अफोर्ड कर सकें। सिमिलरली इसी के समान, द मैन हु सेल्स जूस डज नॉट हैव द रिसोर्सेज टू कम्पीट विद ऑल ऑफ द मेजर कंपनीज। एक ऐसा आदमी जो जूस बेचता है और डज नॉट हैव द रिसोर्सेज, उसके पास संसाधन नहीं होते हैं टू कम्पीट, कॉम्पिटिशन करने के, प्रतिस्पर्धा करने के, प्रतियोगिता करने के, किसके साथ? ऑल ऑफ द मेजर कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े मेजर कंपनीज हैं, उनके साथ जो प्रतियोगिता नहीं कर सकता है। कौन व्यक्ति? जो जूस को सेल कर रहा है, उसके पास रिसोर्सेस नहीं है, संसाधन नहीं है। तो क्या होता है? हु सेल, ऐसी कंपनी जो ब्रांडेड ड्रिंक्स बेच रही हैं थ्रू एक्सपेंसिव एडवर्टाइजिंग, बड़ी कंपनी जो महंगे महंगे एडवर्टाइजमेंट करके अपना जूस बेच रही हैं, तो उनका जूस ज़्यादा बिकेगा, उनका मुनाफा ज़्यादा होगा, या एक व्यक्ति जिसके पास संसाधन नहीं है, एडवर्टाइजमेंट कराने के माध्यम नहीं है, उसका जूस ज़्यादा बिकेगा। स्वप्न डज नॉट हैव सफिशियंट रिसोर्सेज टू ग्रो कॉटन। स्वप्न के पास सफिशियंट मतलब होता है पर्याप्त संसाधन नहीं थे कॉटन को उगाने के, कपास को उगाने के लिए, इसलिए हैज़ टू टेक अ लोन फ्रॉम द ट्रेडर, इसलिए उसे एक ट्रेडर से, व्यापारी से लोन लेना पड़ा, कर्ज लेना पड़ा टू ग्रो हर क्रॉप, अपनी फसल उगाने के लिए। दिस फोर्सेस हर, इस चीज ने उसको फोर्स किया टू सेल हर कॉटन एट अ लोअर प्राइस, अपनी कॉटन को कम दामों में बेचने के लिए मजबूर किया, बाधित किया। मेलानी लाइक द मिलियंस ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, मेलानी की तरह करोड़ों अरबों डोमेस्टिक घरेलू कर्मचारी, डोमेस्टिक वर्कर्स, छोटे छोटे कर्मचारी अक्रॉस द कंट्री, देश के चारों ओर और देश के बाहर, इज फोर्स्ड टू एंड्योर, उनको फोर्स किया जाता है बियर करने के लिए, एंड्योर करने के लिए, सहने के लिए, क्या? द इंसल्ट्स एंड हार्डशिप ऑफ वर्किंग एज ए डोमेस्टिक हेल्प, उनको मतलब वो मजबूर हो जाते हैं सहने के लिए ये अपमान और कठिनाइयाँ काम के दौरान, काम की कठिनाइयाँ और अपमान, एज ए डोमेस्टिक हेल्प, एक डोमेस्टिक हेल्प के रूप में, घरेलू सहायता के रूप में, बिकॉज क्योंकि शी हैज़ नो रिसोर्सेस, शी का मतलब क्या हो गया ये मेलानी, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेस नहीं थे, शी हैज़ नो रिसोर्सेस, उसके पास संसाधन नहीं है टू सेट अप समथिंग और हर ओन, हर ओन, अपना खुद का कुछ स्थापित करने के लिए, सेटअप करने के लिए उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है कि भाई अपना खुद का कुछ काम धंधा अच्छे प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजमेंट करा के, ब्रांड बना के उसको बेच सके, प्रस्तुत कर सके, काम कर सके। पॉवर्टी एंड द लैक ऑफ रिसोर्सेस, गरीबी मतलब दरिद्रता, पॉवर्टी का मतलब, और लैक ऑफ रिसोर्सेस संसाधनों की कमी, कंटिन्यू टू बी अ की रीज़न Why so many people's lives in India are highly unequal? ये गरीबी, दरिद्रता और संसाधनों की कमी एक की रीज़न है, मुख्य कारण है, केंद्र बिंदु कारण है कि भारत में जो बहुत सारे लोग हैं उनका जो जीवन है वो highly unequal, एक बड़े दर पर, ऊंची दर पर, बहुत व्यापक पैमाने में unequal है, असमान है। मतलब कहने का ये है कि भारत में बहुत सारे लोगों की लाइफ है, कोई गरीब, कोई कम गरीब, कोई ज़्यादा गरीब, कोई बहुत ज़्यादा गरीब, दो वक्त की रोटी खाने के लिए भी उसके पास साधन और संसाधन नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है। अगला पैराग्राफ, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द अंसारी वर डिस्क्रिमिनेटेड, अंसारी के साथ भेदभाव किया गया, अगेंस्ट नॉट बिकॉज दे डिड नॉट हैव द रिसोर्सेस। अब देखो ये वाले पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि भाई रिसोर्सेस नहीं है किसी के पास, धन संपत्ति प्लेटफॉर्म पूंजी नहीं है अगर पहले से, तो उसको इन इन समस्याओं का सामना करना पड़ा, वो करना पड़ता है। अब ऐसे व्यक्ति जिनके पास साधन संसाधन प्लेटफॉर्म कैपिटल पूंजी और ये चीज़ें हैं, लेकिन अब दूसरा रूप क्या है जो उनको एक्सप्लॉइट करता है असमानता के नाम पर, अनइक्वालिटी के नाम पर,
तो देखो बच्चों, अंसारी जैसे लोगों के साथ भी भेदभाव किया गया, नोट बिकॉज, इसलिए नहीं क्योंकि, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस नहीं थे, संसाधन नहीं थे, बल्कि इनफैक्ट वास्तव में डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद भी, बल्कि डिस्पाइट हैविंग द मनी टू पे द रिक्वायर्ड रेंट, बल्कि उनके पास मनी होने के बावजूद भी जो रिक्वायर्ड रेंट है, जो मांगा हुआ किराया है, उसको पे करने की क्षमता होने के बावजूद भी, साधन होने के बावजूद भी, दे वर नॉट एबल टू फाइंड एन अपार्टमेंट, उन्हें एक अपार्टमेंट मिलना मुश्किल हो गया था, फॉर ओवर मंथ, एक महीने से अधिक समय से भटक रहे थे, वो सर्च कर रहे थे, लेकिन उनको मना कर दिया जाता था। रीजन क्या था बच्चों? पीपल वर रिलक्टेंट टू लीज देम एन अपार्टमेंट, लोग उन्हें एक अपार्टमेंट लीज करने में, किराए पर देने में हिचकते थे। क्यों हिचकते थे? बिकॉज ऑफ के कारण, बिकॉज ऑफ मतलब के कारण, किसके कारण हिचकते थे उनको देने में? देयर रिलीजन, उनके धर्म के कारण, जो उनका धर्म था अंसारी का, किसका, यहाँ पर ये करेक्टर को भी अंडरलाइन, मेन मेन चीज़ों को आप लोग अंडरलाइन करते जाओ, करते जाया करो, अंसारी को अंडरलाइन करो। सिमिलरली द मेन रीजन दैट द टीचर्स फोर्स्ड ओम प्रकाश, और इसी के समान ओम प्रकाश की स्टोरी जो हम लोगों ने पढ़ी थी, उसमें जो टीचर्स थे उन्होंने उससे जो साफ सफाई करवाई थी, फर्श साफ करवाया था, ओम प्रकाश को फोर्स किया गया, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो स्टूडेंट था, लड़का था, टू स्वीप द स्कूल यार्ड, स्कूल यार्ड को साफ करने का, सफाई करने का उसके लिए उसको फोर्स किया गया था, क्योंकि ही वॉज दलित, वह एक दलित था। यू हैव ऑल्सो रेड दैट, तुम यह भी पढ़ चुके हो कि द वर्क वुमेन डू, कि महिला, वह काम जो महिला करती है, तुम यह भी पढ़ चुके हो प्रीवियस पेजेस में, चैप्टर्स में, कि वह काम जो महिला करती है, नेक्स्ट पेज बच्चों, महिला करती है, इज ऑफन कंसिडर्ड ऑफ लेस वैल्यू, उस काम को लेस वैल्यू, कम तवज्जो दी जाती है, कम महत्व दिया जाता है, कम महत्व के रूप में उसको विचारा जाता है, कंसीडर किया जाता है, देन दैट डन बाय द मैन, जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, उस काम की अपेक्षा, उस काम की तुलना में महिलाओं के द्वारा जो काम किया जाता है उसको कम वैल्यू दी जाती है। ऑल ऑफ दीज पर्सन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट प्राइमरीली, इन सभी लोगों के साथ भेदभाव किया गया था प्रमुख रूप से, प्रधान रूप से, क्योंकि के कारण, किसके कारण? उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक बैकग्राउंड के कारण, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो उन लोगों की थी, उनकी जाति, जन्म, लिंग, उनकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक कंडीशन वगैरह वगैरह, सोशल स्टेटस, इनके कारण भेदभाव किया गया, एज वेल एज, और साथ साथ और क्या चीज़ थी जिसके लिए भेदभाव किया गया? बिकॉज दे आर विमेन, वे महिलाएँ थी। तो एक तो महिला होना ये भेदभाव का कारण बन गया बच्चों, और दूसरा उनकी ये कल्चरल और ये सोशल बैकग्राउंड जो होना, ये कारण हो गया भेदभाव का, पीछे जो हमने डिस्क्रिमिनेशन पढ़े। ये हाइलाइटेड लाइन है कुछ, इनको अच्छे से देखना है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन्स रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स, व्यक्ति के धर्म, जाति और लिंग के आधार पर, बेसिस मतलब आधार, लिंग के आधार पर भेदभाव इज, होता है एनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर, एक दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर, तथ्य, तत्व, सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, फैक्टर मतलब तत्व, एक और महत्वपूर्ण चीज होती है, महत्वपूर्ण तत्व होता है, फॉर वाई पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली इन इंडिया, जिसके चलते भारत में लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, असामाजिक व्यवहार, असमान व्यवहार किया जाता है। ऑफन, प्रायः, अक्सर, सामान्यतः, पॉवर्टी एंड लैक ऑफ डिग्निटी, गरीबी, भुखमरी, दरिद्रता और लैक ऑफ डिग्निटी, सम्मान की, इज्जत की कमी, एंड रिस्पेक्ट फॉर सर्टेन कम्युनिटीज एंड ग्रुप्स,
और निश्चित संप्रदाय और निश्चित समूहों के लिए सम्मान। देखो तीन चीजें हो गई, सामान्यतः गरीबी और डिग्निटी, रिस्पेक्ट की कमी, सम्मान की कमी, और कुछ निश्चित कम्युनिटीज और ग्रुप्स के प्रति सम्मान। ये तीनों चीजें क्या कम टुगेदर इन द सच पावरफुल वेज, ये इस प्रकार के एक शक्तिशाली तरीके से आ जाती हैं ये चीजें कि इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, कि यह आइडेंटिफाई करना, पहचानना मुश्किल हो जाता है, वेयर वन एस्पेक्ट ऑफ इनइक्वालिटी एंड्स एंड द अदर बिगिंस। एस्पेक्ट मतलब होता है बच्चों पहलू। तो ये सारी चीजें जब एक होकर के, इकट्ठी होकर के शक्तिशाली रूप में सामने आ जाती हैं, तो ये पहचान करना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पर कौन सा पहलू असमानता का, कौन सा पहलू खत्म होता है और कौन सा पहलू शुरू होता है। मतलब फिर मुश्किल हो जाता है कि किस चीज के कारण, किस एक पर्टिकुलर पॉइंट के कारण अनइक्वल ट्रीट किया जा रहा है, बिहेव किया जा रहा है लोगों के साथ। एज यू हैव रेड, जैसा कि आप पढ़ चुके हो, दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल इन लार्ज नंबर्स। जैसा कि आप पढ़ चुके हो कि दलित की, आदिवासी की और मुस्लिमों की लड़कियां स्कूल को, बड़ी संख्या में स्कूल को छोड़ देती हैं, स्कूल पढ़ाई जाना बंद कर देती हैं, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद, कुछ क्लासेस के बाद। दिस इज ए कंबाइंड आउटकम, यह एक मिलाजुला परिणाम होता है, यह एक मिक्स्ड परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, आउटपुट होता है, किन किन चीजों का? गरीबी, भुखमरी, दरिद्रता का, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव का, एंड द लैक ऑफ गुड इक्वेलिटी, और समानता, अच्छी समानता की कमी होने का। स्कूल फैसिलिटीज फॉर दीज कम्युनिटीज, मतलब स्कूल की सुविधाओं में इन संप्रदायों के लिए, इन कम्युनिटीज की गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए, इन इन चीज़ों में कमी के कारण ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि उनको समान इक्वलिटी, इक्वल नहीं किया जाता, व्यवहार नहीं दिया जाता, या ये लड़कियां स्टूडेंट्स जो हैं, इनकी जो कम्युनिटी है वो पॉवर्टी से जूझ रही है, गरीबी भुखमरी से, या सामाजिक भेदभाव है उनके साथ। तो ये सारी चीज़ें परिणाम देती हैं कि वो उनकी पढ़ाई छूट जाती है, उन गर्ल्स स्टूडेंट्स की। स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी, समानता के लिए संघर्ष, थ्रू आउट द वर्ल्ड इन एवरी कम्युनिटी, विलेज, सिटी एंड टाउन। विश्व में हर संप्रदाय में, हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में, यू विल फाइंड, तुम पाओगे कि देयर आर सम पीपल, कुछ लोग होते हैं हु आर नोन, जो जाने जाते हैं एंड रिस्पेक्टेड, और जिनका सम्मान किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर फाइट फॉर इक्वेलिटी। मतलब आप विश्व में देखो कि हर संप्रदाय, गांव, गली, कस्बे, मोहल्ले में, क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जिनकी जान पहचान होती है, जिनको बहुत सारे लोग जानते पहचानते हैं और जिनको सम्मान करते हैं। किस चीज़ के लिए? उन्होंने समानता के लिए जो फाइट की, जो संघर्ष किया, जैसे गांधी जी समानता के लिए भी संघर्ष किया था रंगभेद की नीति के खिलाफ, हाँ, डरबन साउथ अफ्रीका में जो उनके साथ ट्रेन से उन्हें उतार दिया गया था, मतलब इंसल्ट वाला व्यवहार हुआ था नस्ल भेद के कारण, और जो नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में किया था। तो इन चीज़ों के खिलाफ जो व्यक्ति फाइट करते हैं, उन व्यक्तियों को बहुत सारे लोग जानते हैं, सम्मान देते हैं। दीज पीपल मे हैव स्टूड अप अगेंस्ट एन एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये लोग खड़े हुए थे, इन लोगों ने जागरूकता फैलाई थी, संघर्ष किया था भेदभाव के खिलाफ, देट दे फेस्ड, और ये जिसके खिलाफ वो खड़े हुए थे, जिस भेदभाव के खिलाफ, इसको उन्होंने फेस किया था, उन्होंने सामना किया इसका, और विच दे विटनेस्ड, या जिस चीज के वे लोग गवाह थे। मतलब ऐसे लोग जो खड़े हुए इस भेदभाव के खिलाफ, इनमें से बहुत सारे लोगों ने ये भेदभाव खुद फेस किया था, खुद सामना किया था इस चीज का, गंदी चीज का, और कुछ लोग ऐसे थे जो इस चीज के गवाह थे, मतलब जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था दूसरे लोगों के साथ ये भेदभाव होते हुए, तो उनके दिल में आग लगी और उन्होंने आगे चल के जो है कि क्रांति कर दी, आवाज उठाई इसके खिलाफ, ये गलत चीज के खिलाफ। और दे मे बी वेल रिस्पेक्टेड बिकॉज, और ऐसे लोग बहुत बहुत ज्यादा सम्मान दिए जाते हैं क्योंकि दे ट्रीट ऑल पर्सन्स विद डिग्निटी, एंड वे सारे व्यक्तियों को ट्रीट करते हैं, सभी व्यक्तियों से व्यवहार करते हैं सम्मान वाला,
और इसलिए ट्रस्टेड विश्वास किया जाता है ऐसे लोगों पर एंड कॉल्ड अपॉन टू रिजॉल्व इशूज इन द कम्युनिटी। और ऐसे लोगों को, ऐसे सम्माननीय लोगों को संप्रदाय में, समाज में मुद्दों को रिजॉल्व करने के लिए, उन मुद्दों, गलत मुद्दों का हल निकालने के लिए उनको बुलाया जाता है। जैसे गांव वगैरह में जो लगती है पंचायत, आपने देखी होगी कि भैया पंचायत लगाएंगे इस मुद्दे के खिलाफ, तो गलत हुआ है हमारे साथ। ठीक है बच्चों, आगे देखो। ऑफन, अक्सर, सम ऑफ दीज पर्सन्स बिकम मोर वाइडली, इनमें से कुछ व्यक्ति मोर वाइडली रिकॉग्नाइज्ड, बहुत व्यापक स्तर पर जाने जाते हैं, क्योंकि दे हैव द सपोर्ट और रिप्रेजेंट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी संख्या में लोगों का सपोर्ट होता है, या बहुत बड़ी संख्या में लोगों को वो रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं बहुत ज़्यादा लोगों का। हु हैव यूनाइटेड, जो एकत्रित हो चुके हैं, यूनाइट हो चुके हैं टू एड्रेस अ पर्टिकुलर इशू और इनक्वालिटी, जो एक निश्चित असमानता के इशू को एड्रेस करने में के लिए यूनाइट हो चुके हैं। इन इंडिया, भारत में, देर आर सेवरल स्ट्रगल्स इन विच पीपल हैव कम टुगेदर टू फाइट फॉर इशू दैट दे बिलीव आर इम्पॉर्टेंट। भारत में कई सारे ऐसे संघर्ष हुए हैं जिसमें पीपल हैव कम, लोग आए हैं साथ साथ लड़ने के लिए इन मुद्दों के खिलाफ जो दे बिलीव आर इम्पोर्टेंट, जो वे विश्वास करते हैं कि ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इनके खिलाफ संघर्ष होना चाहिए। तो उनको हटाने के लिए, उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत बार आगे बढ़े हैं। चैप्टर 5 में तुम पढ़ते हो किसके बारे में, द मेथड्स यूज बाय द वीमेंस मूवमेंट टू रेज इशूज ऑफ इक्वेलिटी। चैप्टर 5 में आपने महिलाओं के द्वारा जो इशू उठाए गए थे, रेज किए गए थे इक्वेलिटी के लिए, द तवा मत्स्य संघ, ये तवा एक नदी का नाम है, मत्स्य मतलब होता है मछली, तवा मत्स्य संघ इन मध्य प्रदेश में, ये संघ इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ पीपल, एक और उदाहरण है ऐसे लोगों का जो साथ साथ आए टू फाइट फॉर एन इशू, किसी मुद्दे के लिए लड़ने के लिए, किसी इशू को फाइट करने के लिए। देयर आर मेनी सच स्ट्रगल्स, कई सारे संघर्ष हैं, ऐसे संघर्ष हैं, सच एज, जैसे कि दोज एमंग बीड़ी वर्कर्स, जो बीड़ी वर्कर्स थे उनका संघर्ष, फिशर फोक एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्लम ड्वेलर्स, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, स्लम मतलब झुग्गी झोपड़ी, ड्वेलर रहने वाले निवासी, एंड ईच ग्रुप इट्स स्ट्रगलिंग, और इस प्रकार के प्रत्येक संघर्ष करता हुआ प्रत्येक व्यक्ति, फॉर जस्टिस इन इट्स ऑन वे, अपने अपने प्रकार से संघर्ष करता हुआ जस्टिस को पाने के लिए, न्याय को पाने के लिए। देयर आर ऑल्सो मैनी अटेम्प्ट्स, बहुत सारे प्रयास भी हैं टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स और अदर कलेक्टिव वेज बाय विच पीपल कैन हैव मोर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेस। देयर आर ऑल्सो मैनी अटेम्प्ट्स, कई और भी प्रयास हैं टू फॉर्म, रूप देने के लिए, कोऑपरेटिव रूप देने के लिए, और दूसरे कलेक्टिव वेज, दूसरे तरीके को बनाने के लिए कई और सारे भी प्रयास हैं जिनके द्वारा पीपल कैन हैव मोर कंट्रोल, लोग ज़्यादा नियंत्रण रख सकते हैं ओवर रिसोर्सेस पर, संसाधनों पर। बच्चों ये पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 में हम बाकी का बचा हुआ चैप्टर देखेंगे। ये तवा मत्स्य संघ तक हमने कंप्लीट कर लिया है और थोड़ा सा आपका और बचा है, इसका जस्ट हाफ वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है।